हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बाइसेप का बीच वाला डोला, राउंड बाइसेप, शॉर्ट हेड बाइसेप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट जिनकी मदद से आप बीच वाला बाइसेप, राउंड बाइसेप, शॉर्ट हेड बाइसेप आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्कआउट ज़्यादातर बॉडी बिल्डर करते हैं, तभी उनका बाइसेप का जो शेप होता है बीच में, एक अच्छा शेप दिखता है, एक राउंड शेप दिखता है। फ्रेंड्स, कौन से वर्कआउट है जिनकी मदद से आप अपने बाइसेप को राउंड कर सकते हैं और एक शॉर्ट हेड बाइसेप को जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्कआउट है वो है जॉटमैन कर्ल। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को जॉटमैन कर्ल करते हैं। इसके आपको 4 सेट 10 रेपिटेशन करना, इस तरह से आपको इसको बैंड करना है। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है, इस तरह से आपको बैंड करके वापस लाना है, इस तरह से आपको ये घुमाना है, जिससे क्या है फ्रेंड्स, आपके बाइसेप का जो बीच वाला हिस्सा है, शॉर्ट हेड जिसे बोलते हैं, उस पर इफेक्ट आता है, एक राउंड शेप आता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा वर्कआउट है वो है पीचर हैमर कर्ल। फ्रेंड्स, आपने हैमर डंबल कर्ल किया होगा, लेकिन ये पीचर बेंच पे करना है। देखिए, इससे आपके बाइसेप का जो बीच वाला हिस्सा, वहीं पर इफेक्ट आता है, एक राउंड शेप आता है, एक अच्छा शेप आता है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये आर्म्स की जो वेन्स है वो भी बाहर निकलने में मदद करता है। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। इसके भी 4 सेट करना है, 10 रेपिटेशन आपको करना है, और हर एक सेट में आप डंबल का वेट बढ़ाना है। फ्रेंड्स, जो इसके अलावा तीसरा वर्कआउट है, ये है इजेड बार कर्ल। फ्रेंड्स, इसके भी 4 सेट और 10 रेपिटेशन करना। नॉर्मल बार से नहीं करेंगे, आप जिगजग वाले बार से करेंगे, जिससे राउंड वाला शेप आता है। फ्रेंड्स, अगर सच में आप बाइसेप बनाना चाहते हैं, एक राउंड शेप बनाना चाहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल को कभी भी अवॉइड ना करें। फ्रेंड्स, इसके 4 सेट 10 रेपिटेशन करेंगे, जिससे आपका बाइसेप का जो पर्सनलिटी है वो 97% इंप्रूव हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।